तो ही गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले पोकेमोन यूनाइट के अंदर हमारा न्यू पैच नोट आ चुका है। या काफी जल्द आपको शायद इवनिंग टाइम में अपडेट मिलेगा पैच नोट का। उसके अंदर भाई काफी खतरनाक बफ एंड नर्फ किए गए, साथ में बैटल आइटम्स जो हमारा इन गेम है जैसे इजेक्ट बटन, फुल हील, इन सब के अंदर भी अच्छे नर्फ एंड बफ किए गए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। और इसके अंदर क्या पता आपका कोई फेवरेट पोकेमोन जिसके अंदर काफी अच्छा बफ हो गया हो, लेट्स सी। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन करके बताना आपका फेवरेट बफ कौन से वाले पोकेमोन में किया गया। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास जैसियन, म्योटो, एक्स, एल्डिगोस एंड स्लोब्रो में हो रखा है नर्फ। म्योटो में बात की जाए तो उसका जो ओवरऑल अटैक है लेवल 1 से लेके लेवल 15 तक, उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। उसी के साथ साथ उसका रिकवरी, जब हम अटैक करते हैं हमें जो एचपी मिलती है उसको भी यहाँ पे कम किया म्यूटो एक्स में। ऑलराउंडर वाला जो हमारा अभी चल रहा था अटैकर के बाद, उसके अंदर भी नर्फ कर दिया गया। तो इस बार म्यूटो वाई काफी कम यूजेस देखने को मिलेगा रैंक मैच के अंदर। साथ के अंदर जो जैसियन है उसके अंदर उसका यूनाइट मूव जो है ना, उसका डैमेज एंड यूनाइट मूव जब हम यूज करते हैं तो हमें 50% तक का कम डैमेज पड़ता था, तो उसको भी कम कर दिया गया। अब 30% तक हमें कम डैमेज लगेगा। तो यहाँ पे म्योटो एंड जैसियन दोनों लेजेंडरी पोकेमोन में अच्छे से नर्फ कर दिया गया। एंड अब देखना बनता है कि अब कौन से पोकेमोन ज़्यादा यूज होते हैं ऑलराउंडर के अंदर। दूसरा जो हमारा सपोर्टर है एल्डिगोस काफी यूज हो रहा था, तो एल्डिगोस के अंदर भी नर्फ किया गया। एलडी का पोलन ग्रीन वाला जो मूव था जो एचपी रिकवर करता था, उसके अंदर 50% तक एचपी रिड्यूस कर दी गई है उसकी, जो वे इंक्रीज करता था। उसी के साथ साथ स्लोब्रो का एमिनेशिया जो मूव सेट था उसके अंदर यहाँ पे नर्फ कर दिया गया। बेसिकली भाई स्लोब्रो एमिनेशिया के साथ काफी डेडली यूज हो रहा था, तो यहाँ पे एमिनेशिया के अंदर उन्होंने नर्फ किया गया। अब भाई बात कर लेते कुछ हमारे बैटल आइटम्स जिनके अंदर नर्फ हुए, लाइक इजेक्ट बटन। अब भाई उसका कूलडाउन इंक्रीज कर दिया गया, पहले 70 सेकंड्स का कूलडाउन था अब 75 सेकंड्स कर दिया गया। फुल हील के अंदर भाई कूलडाउन उसका भी इंक्रीज किया गया है, 50 सेकंड्स था तो अब 55 सेकंड्स कर दिया गया। उसके साथ हमारे पास कुछ ऐसे हेल्थ आइटम भी है जिसके अंदर नर्फ हुए, लाइक फोकस बैंड के अंदर यहाँ पे नर्फ किया गया। उसके जो एचपी रिकवर करता था फोकस बैंड हमें, वो 8, 11, 14% था हमारे रिमेनिंग एचपी का, बट अब नर्फ के बाद ये हो गया 6, 9, 12% ऑफ हमारी रिमेनिंग एचपी जो होगी उसका इतना ये हमें हील करेगा। तो फोकस बैंड के अंदर साथ ही साथ और कुछ हेल्थ आइटम्स है, लाइक स्लो स्मोक उसके अंदर बफ हो रखा है एंड गोल गैटर उसके अंदर भी बफ कर रखा है। तो बफ वाली वीडियो काफी जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, अभी काफी जल्द अपलोड हो जाएगी। बाकी ये बताना इस नर्फ वाले पैच नोट में आपको कौन कौन से पोकेमोन थे जिनको काफी नर्फ आपको पसंद आया, और कौन सा ऐसा पोकेमोन है जिसका नर्फ आपको पसंद नहीं आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ न्यू वीडियो के साथ, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लेगा, स्टिल देन गुड बाय।